मूवी स्टार्ट होती है लूकस नाम के एक लड़के से जो कि छुट्टियां गुजारने के लिए अपने दादा के घर आया हुआ था। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बोर होता है। एक दिन उसके दादा उसे एक स्टोरी सुनाते हैं जो स्टार्ट होती है ट्रोल्स के एक विलेज से। ये विलेज घने जंगलों के बीच में था। यहाँ पर ये ट्रोल्स कभी भी धूप में नहीं जाते थे क्योंकि इन सब पे कर्ज था कि अगर ये लोग धूप में जाएंगे तो ये फौरन पत्थर में चेंज हो जाएंगे। सारे ट्रोल्स कभी भी घने जंगल में नहीं गए क्योंकि वहाँ पर पिक्सी नाम का एक मॉन्स्टर रहता था जिसको ट्रोल्स बहुत बुरे लगते थे और जब भी कोई ट्रोल उसे मिलता था वो उसे मार देता था। पता चलता है कि इस विलेज में हर साल एक रेस होती है जिसके जीतने वाले को अगले साल के लिए यहाँ का राजा बना दिया जाता है और काफी सालों से यहाँ पर ग्रोम नाम का एक ट्रोल इस रेस को जीत रहा था। इस बात से उसका कजन ग्रिमर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता था क्योंकि वो बहुत सालों से कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से ग्रोम को हरा दे। पता चलता है कि आज भी ऐसे ही रेस का डे है जिसके बाद हम ग्रोम के बेटे ट्रिम को देखते हैं। उसके साथ दो दोस्त भी थे, एक थी फ्रिया जो कि मैजिशियन बनना चाहती थी और इसी में उसके दादा उसकी मदद कर रहे थे क्योंकि वो खुद भी कुछ मैजिकल जानते थे। उसके साथ एक और दोस्त था जिसके दो सर थे, वो बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें करता था। अब ये तीनों मिलकर पहुंच जाते हैं रेस देखने के लिए। यहाँ पर पता चलता है कि ट्रिम भी खुद इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है। यहाँ पर हम उसकी मॉम को भी देखते हैं। जब वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या मैं रेस में जा सकता हूँ तो उसके पेरेंट्स उसे मना करते हैं कि शायद वो अभी रेडी नहीं है। इसके बाद रेस स्टार्ट होती है और हर साल की तरह यहाँ पर अब भी ग्रोम जीत जाता है और एक साल के लिए वो यहाँ का राजा बन जाता है। अब इसी खुशी में शाम को एक पार्टी रखी थी जहाँ पर विलेज के सारे ट्रोल्स आए थे और वो सब ग्रोम को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उसके जीतने पे बहुत ही ज्यादा खुश भी थे। यहाँ पर ये सब देखकर ग्रिमर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि ऐसा ग्रोम में क्या है जो कि हर कोई उसे इतना पसंद करता है। हम देखते हैं कि ट्रिम भी कोई खास खुश नहीं क्योंकि वो भी चाहता था कि अपने डैड की तरह एक बहुत ही पावरफुल ट्रोल बनके साबित करे। अब ट्रिम को समझाने के लिए उसके फादर उसे एक बर्ड की एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे वो पहले एक प्रिंसेस हुआ करती थी लेकिन एक दिन वो समंदर में डूब गई जिसके बाद जब वो बाहर निकली तो वो एक बर्ड में चेंज हो चुकी थी और उस दिन के बाद से वो उस समंदर में हर दिन एक पत्थर डालती है ताकि उसकी तरह कोई और डूब ना सके। वो ट्रिम को बताते हैं कि इससे हमें ये सबक मिलता है कि तुम्हें भी उस बर्ड की तरह पेशेंस शो करनी होगी और ऐसे ही तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। ट्रिमर घर जाता है और हमें पता चलता है कि उसके फादर भी काफी अरसा पहले यहाँ के राजा रह चुके हैं पर इसी तरह कर्ज की वजह से वो पत्थर में चेंज हो गए थे और ग्रिमर भी खुद से वादा करता है कि वो यहाँ का राजा जरूर बन के दिखाएगा। जिसके बाद उसके माइंड में एक बहुत ही खौफनाक किस्म का प्लान आता है। वो सोचता है कि किसी भी तरीके से अगर ट्रिम को घने जंगलों के अंदर भेज दिया जाए तो ग्रोम उसको बचाने के लिए उसके पीछे जरूर जाएगा और जब ये दोनों वहाँ चले जाएंगे तो पिक्सी इनको जरूर मार देगा और इसी तरीके से वो तब विनर बनकर यहाँ का राजा बन जाएगा। इसके बाद इस प्लान को कामयाब करने के लिए वो जाता है ट्रिम के पास जिसके बाद वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रेस के लिए ट्रेन करने के लिए आया हूँ और इस बात के लिए मुझे तुम्हारे डैड ने ही भेजा है। इसके बाद वो ट्रिम को लेके जाता है ट्रैक पर जहाँ पर वो गलत निशानों की वजह से उसको भेज देता है घने जंगलों में। इसके बाद ग्रिमर फौरन जाता है ग्रोम के पास और उसे बताता है कि कैसे उसके लाख रोकने के बाद भी ट्रिम पहुंच गया है घने जंगलों में। ये सुनते साथ ही तो ग्रोम बहुत परेशान हो जाता है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो फौरन निकल पड़ता है जिसके बाद ग्रिमर के बताए हुए गलत रास्ते पर वो आगे पहुंच जाता है घने जंगलों में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रिम एक पिक्सी के बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है जहां पर हल्की सी धूप लगने की वजह से उसकी टेल स्टोन में चेंज हो जाती है। वो देखता है कि जगह जगह पर बहुत सारी धूप आ रही है और वो उस धूप से बचने लगता है। यहाँ पर ग्रोम पहुंचकर अपने बेटे को बचा लेता है और उसे बताता है कि कैसे ये पिक्सी का इलाका है। इसके बाद ये लोग यहाँ से वापस जाने के लिए निकल पड़ते हैं बट रास्ते में ग्रोम का पांव एक और ट्रैप पे पड़ता है और इसके बाद वो उस ट्रैप की वजह से वहीं पर फंस जाता है। ट्रिम इसके बाद चला जाता है मदद बुलाने के लिए और थोड़ी ही देर के बाद ग्रोम को ग्रिमर आता दिखाई देता है। वो कहता है कि शुक्र है अब वो बच जाएगा। उसे क्या पता था कि ये सारी चाल ग्रिमर की खुद थी। ग्रिमर उसके पास आता है और उसके सर से वो ताज उतार देता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है कि विलेज को एक नया राजा मिले और वो उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर धूप आती है जिसके बाद ग्रोम पत्थर में चेंज हो जाता है। जब ट्रिम वापस आता है तो देखता है कि उसके डैड तो अब स्टोन में चेंज हो गए हैं। हम देखते हैं कि अभी भी ट्रिम की टेल वहीं ट्रैप पर फंसी हुई है। दूसरी तरफ ग्रिमर वापस विलेज में आता है और सबको बताता है
कि ग्रोम अप स्टोर में चेंज हो गया है और इस सारी बात का जिम्मेदार वो ट्रिम को ठहराता है। सारा विलेज बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, पर यहाँ पर ग्रिमर सबको कहता है कि परेशान ना हो क्योंकि मैं अब यहाँ का राजा बनूंगा और सारी चीजों को मैं हैंडल कर लूंगा। इस सारी बात पे फरिया और दो सिरों वाले ट्रोल को तो यकीन ही नहीं होता और वो ट्रिम को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। यहाँ पर फरिया अपने लोकेटर स्पेल को यूज करके ट्रिम को ढूंढ भी लेती है। इसके बाद वो उन दोनों को यकीन दिलाती है कि कैसे हम इस सब को ठीक कर लेंगे, जिसके बाद वो अपने दादा के स्पेल्स को यूज करके एक बहुत ही पावरफुल विच को बुलाती है। ये पावरफुल विच इन्हें बताती है कि अगर ट्रिम की टेल को ये लोग पिक्सी से वापस लेकर आकर जोड़ दें तो जितने भी स्टोन में चेंज हुए थे लोग, ये लोग ठीक हो जाएंगे। पर इस काम के लिए इनके पास सिर्फ 3 दिन है, जिसके बाद वो उन्हें 3 पेटल वाला फ्लावर देती है और कहती है कि जैसे ही 3rd पेटल टूटेगा इनका टाइम अप हो जाएगा। इस सब के बाद ये तीनों निकल जाते हैं उस टेल को बचाकर वापस लाने में, जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिमर को कैसे अभी भी विलेज में कोई पसंद नहीं कर रहा। ग्रिमर को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों हो रहा है। उसका एक दोस्त उसे मशवरा देता है कि अगर तुम्हारे पास भी खूबसूरत सी बीवी हो जैसे कि ग्रोम के पास थी तो शायद लोग तुम्हें पसंद करने लग जाएं। इस मशवरे को सुनने के बाद तो ग्रिमर विलेज की काफी लड़कियों को देखने लगता है, पर उसे कोई भी पसंद नहीं आती, जिसके बाद उसकी एक दिन नजर पड़ती है ग्रोम की वाइफ पर। ग्रिमर को यकीन आ जाता है कि वो बचपन से ही उसको पसंद करता था, पर उसने तो ग्रोम से शादी कर ली थी। इसके बाद वो प्लान करता है कि इसको प्रपोज कर दूंगा। इसके लिए जब वो ग्रोम की वाइफ के पास आता है तो देखता है कि कैसे वो फिरिया के दादा के साथ मिलकर उसी विच से बात कर रही है, जिसने उनको बता दिया है कि कैसे ट्रेन बाकी सारे लोगों के साथ मिलकर अपनी टेल को ढूंढने के लिए गया है और जैसे ही वो टेल पिक्सी से मिल जाएगी ये सारा कर्ज टूट जाएगा। ये सारी बात सुनते साथ ही ग्रिमर इन दोनों को कैद कर लेता है। इस सब के बाद ग्रिमर फौरन घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है ताकि ट्रिम और बाकी दोनों को रोक सके। अब काफी रात हो गई थी और ये तीनों एक जगह पर रुक कर आराम कर रहे थे, जिसके बाद ट्रिम देखता है कि उस फूल की एक पत्ती टूट गई है, जिसका मतलब ये था कि इनका एक दिन तो जाया हो गया। इसके बाद ताकि और वक्त जाया ना हो ये लोग फौरन आगे निकल पड़ते हैं, जहाँ पर ये लोग एक ब्रिज पर जाकर रुकते हैं। वहाँ पर 3 सिरों वाला ट्रोल इनको अपना कैदी बना लेता है, पर पता चलता है कि उसने सिर्फ ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको दोस्तों की जरूरत थी, जिसके बाद ये तीनों उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ये लोग अब ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तो ट्रिम देखता है कि फूल की एक और पत्ती टूट गई है, यानी कि इनके पास अब सिर्फ एक ही दिन का वक्त बचा है। ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर आगे जाकर देखते हैं कि रास्ते में एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर पड़ा है जिसने इनके रास्ते को रोका हुआ है। फरिया यहाँ पर अपना मैजिक यूज करती है कि किसी तरीके से इस पत्थर को हटा दे, बट वो कामयाब नहीं हो पाती। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, बट ट्रिम उसे समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कामयाबी सिर्फ उसको मिलती है जो बार बार कोशिश करता रहे। उनकी इस सारी बात को सुनने के बाद फरिया एक बार फिर से अपना जादू इस्तेमाल करती है और इस बार वो पत्थर को हिला तो नहीं सकती, बट इतना रास्ता जरूर बन जाता है कि ये लोग आराम से वहाँ से गुजर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिमर कैसे इनका बहुत तेजी से पीछा कर रहा है ताकि इनको किसी भी तरीके से रोक सके। ये तीनों अब पहुँचते हैं एक केव में, जहाँ पर हर तरफ ही ट्रोल के स्केलेटन लटके थे। ये देखकर तो ये तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद उस केव का दरवाजा भी खुद ही बंद हो जाता है और जमीन में से वो पिक्सी मॉन्स्टर बाहर निकलता है। ट्रिम देखता है कि उसके गले में वो टेल लटकी हुई है। इसके बाद तो फरिया और वो 2 सरों वाला ट्रोल तो छुप जाते हैं और ट्रिम घुमा घुमा कर उस पिक्सी को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसके गले में से वो टेल तो ले लेता है, बट साथ ही वो पिक्सी मॉन्स्टर उठ जाता है। पर इस बार ट्रिम सोचता है कि लड़ने की बजाय उसे प्यार से समझाया जाए, जिसके बाद वो पिक्सी मॉन्स्टर को बताता है कि कैसे ट्रोल उसे अपना दुश्मन नहीं समझते और अगर वो अच्छा रहेगा तो हम दोस्त बन सकते हैं। इस सारी बात से पिक्सी मॉन्स्टर मान जाता है और इनको आराम से यहाँ से जाने देता है। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि घर वापस जाना तो बहुत ही दूर है और ये लोग वक्त पर नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ पर ये लोग अपने पुराने गार्डियन को याद करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर था जो कि इनका गार्डियन था, जो इनको मदद करता है इस घाटी को पार करने में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रिमर कैसे अब भी इनके पीछे है और इनको रोकने के लिए इनके पास पहुँच चुका है। ये इन पर अटैक करने ही वाला था कि 2 सरों वाला ट्रोल उस पर जंप करता है और उसे बेहोश कर देता है। अब यहाँ से ट्रिम और फरिया बहुत दूर भागते हैं, पर ग्रिमर इनके पीछे अभी लगा हुआ था। ट्रिम आके बहुत ही चलाकी से एक जगह पर जंप करता है, जिसके बाद हवा में पत्थर गिरता है और वैसे ही वहाँ पर धूप आती है और इसी तरीके से ग्रिमर का आधा फेस पत्थर में चेंज हो जाता है। अब फरिया और ट्रिम भागते हैं विलेज की तरफ, जहाँ पर वो ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके थे। यहाँ पर फरिया अपना मैजिक यूज करके ग्रिमर के बाकी सारे लोगों को हटा देती है। ग्रिमर भी अब इनके पीछे पीछे ही था।
था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रिम कैसे भाग रहा था कि अपने डैड की टेल उनके साथ वापस जोड़ सके। ग्रिमर देखता है कि उसके डैड के स्टैचू के दरमियान बहुत सारी धूप है और उनको लगता है कि यहाँ पर ट्रिम तो भाग नहीं सकेगा, पर ऐसा नहीं था। ट्रिम डरे बगैर बहुत तेजी से भागता भागता अपने डैड के स्टैचू के पास पहुँचने वाला था। इससे पहले कि वो टेल ज्वाइन कर सकता, वो कम्प्लीटली खुद भी पत्थर में चेंज हो जाता है। विलेज के सारे लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं, जिसके बाद वो ग्रिमर को आवाज देते हैं कि वो शायद इनकी मदद कर सके। ऐसे ग्रिमर का भी दिल चेंज हो जाता है और वो भागता है ट्रिम की मदद करने में, जिसके बाद वो तेजी से जब पास पहुंचता है तो उस टाइम तक वो भी खुद कम्प्लीटली पत्थर में चेंज हो जाता है। सबके बाद सभी विलेज वाले बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, पर आसमान में हम देखते हैं उसी बर्ड को जिसकी एग्जाम्पल ग्रोम अपने बेटे को देता था। उसके हाथ में हम देखते हैं एक पत्थर जो कि वो फेंकती है ग्रिमर के ऊपर, और ऐसे ही ग्रिमर टकराने के बाद गिरता है ट्रिम पर, और ट्रिम गिरने की वजह से वो टेल ज्वाइन कर देता है अपने डैड के साथ। जैसे ही टेल वापस जुड़ती है, सारी धूप वहाँ से चली जाती है और जितने लोग भी स्टोन में चेंज हुए थे वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसके बाद ग्रिमर भी अपने डैड से मिलता है, जिसके बाद वो अपनी सारी हरकत के लिए बहुत सारा सॉरी कहता है। इसके बाद ट्रिम अपने डैड से कहता है कि इनको माफ कर दिया जाए, जिसके बाद सारे लोग अपने बिछड़े हुए लोगों से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद रात को एक पार्टी रखी जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पिक्सी भी यहीं पर है। इसकी और ट्रोल्स की दोस्ती हो गई है, और इसी के साथ दादाजी स्टोरी अपनी एंड करते हैं। इसके बाद वो लुकस को एक लॉकेट देते हैं जो कि ट्रोल लॉकेट था, और साथ ही बताते हैं कि ट्रोल्स को बहुत ज्यादा पाइन कोन्स पसंद हैं। वो एक पाइन कोन लुकस को देते हैं, जिसके बाद लुकस विंडो खोलता है और उसके बाहर एक पाइन कोन रख देता है, जिसके बाद वो खुद सो जाता है। एंड में हम देखते हैं कि कैसे एक ट्रोल आता है और वो पाइन कोन उठाकर ले जाता है। इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है।